Hi guys, welcome to my YouTube channel JK Engineering Classes. Today I am discuss about panel door. देखिए panel door का जो standard size होती है 2.1 गुणे 1.2 मीटर होती है, ठीक है, यानी 210 सेंटीमीटर गुणे 120 सेंटीमीटर. जब इसे स्केल पर मतलब ड्रम शीट पर इसे ड्रा करते हैं तो सेंटीमीटर की जगह 210 सेंटीमीटर दिख रहा है, वहाँ हम 210 mm लेते हैं. कोई भी माप लेंगे हम mm में लेंगे, ठीक है. अब चलिए हम बनाते हैं कैसे. देखिए जो 210 सेंटीमीटर हमारे दिया हुआ है वो इस दूर की लेंथ होती है. यहाँ से यहाँ तक तो की दूर कितनी होती है 210 में, देखिए आपके ये दर्शाया जा चुका है. और जो ये चौड़ाई इसकी होती है दूर की ना, ये होती है 120 सेंटीमीटर, यानी 120 mm आप इस पर खींचिएगा सीट पर, ठीक है. जो ये बीच की आपकी ये जो दिख रहा है दूरी दोनों साइड में, देखिए जो बीच की दूरी दिख रहा है वो होती है 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm. 10 चारों तरफ ये बना लेंगे. उसके बाद ये 15 यहाँ से 15 सेंटीमीटर इधर हम लगाएंगे. क्या ये हमारा हॉर्न होता है 15 सेंटीमीटर का, यानी इसमें कितना खींचेंगे 15 mm का हॉर्न लगाएंगे दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी. बीच की दूरी जानते ही हैं 10 mm रहेगी. उसके बाद इस रेखा से और इस रेखा से दो मतलब 1 mm पर रिबेट लगा देंगे चारों तरफ से. ये देखिए खांचा जो करता है ये हमारा रिबेट होता है. यहाँ आपको लिखा भी जा चुका है 1.2 mm जो क्या है ये रिबेट है, ठीक है. ये जो लगा है आपका हिंज है, देखिए अब इतना क्लियर. अब यहाँ से तो ये 10 हो गई, फिर से 10 mm की जगह 10 mm छोड़ के यहाँ भी एक रेखा लगाएंगे और 10 mm से इधर भी एक रेखा लगाएंगे. फिर से जो ये दूर होता है दूर का वृत्त होती है यानी चौड़ाई, इसकी सेंटर में एक रेखा एक लाइन खींच लेंगे. इस लाइन से लेफ्ट साइड में एक एम पे एक रिबेट डालेंगे, देखिए रिबेट ये पड़ गया और इधर भी एक एम पे रिबेट डालेंगे, ठीक है. और जो मिड लाइन होती है ना मिडिल, यहाँ से 10 mm पे एक रेखा इधर खींचेंगे 10 mm इधर खींचेंगे. देखिए ये हो गया पहले बना, यहाँ से 10 mm इधर 10 mm इधर 10 ये 10 ये चार हो गई. अब देखिए जो इसकी लेंथ होती है ना लेंथ का भी हाफ कर लेते हैं. हाफ करने के बाद एक सेंटर में एक रेखा एकदम बिल्कुल हल्का रेखा खींच लेते हैं. देखिए हल्का रेखा खींचा गया है. यहाँ से 3 सेंटीमीटर ऊपर यानी बीच की दो एल होती है ना, यस 3 सेंटीमीटर ऊपर होती है और 3 सेंटीमीटर आपका ये नीचे भी होती है, ठीक है. ऊपर से सेम वही माप होती है 3 सेंटीमीटर दोनों साइड से. इसमें भी वही कीजिएगा, इसमें भी वही दोनों तरफ. यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ से भी ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, टोटल माप बराबर रहेगी, ठीक है. अब ये बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर बनाने के बाद इधर ये दो लाइन वाली ड्रा हो गई. यहाँ से अब जो ये लाइन दिख रहा है यहाँ से 5 mm अंदर जाइएगा. 5 mm अंदर हो गया, 5 mm चारों तरफ से 5 mm लेके ये काम इसके आयत ड्रा कर लेंगे. ये हमारी क्या बन गई, आयत बन गई. सेम वही काम हमारी जो हम चारों पार्ट में करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यही. अब यहाँ से जो ए लाइन दिख रही है ना, यहाँ से 3 mm पे एक और आयत ड्रा कर लेंगे, ठीक है. 3 mm हो गई, जो काम इसमें हुआ वो इसमें, इसमें मतलब सब में वही काम करना है. और ऐसे इस पॉइंट को लेकर इस पॉइंट को हम इसे दोनों पॉइंट को मिला देंगे चारों तरफ से, देखिए मिला दिए, ठीक है. उसके बाद यहाँ हम इसको वो लगा देंगे, कुंडी लगा देंगे इसका, हो गया, ठीक है. अब ये जो हमारा होता है ना, ये आप देख रहे होंगे ये हमारा होल फास्ट होती है, जो दीवार में लगा के इसे फिक्स कर दिया जाता है. ये होल फास्ट होती है, इसकी इस प्रकार मतलब प्रदर्शित किया जाता है. होल फास्ट की जो लंबाई होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की होती है 30 सेंटीमीटर गुणे 4 गुणे 0.5 सेंटीमीटर होती है. यानी वास्तविक जो ये लंबाई होती है इसकी, हम तो लेंगे इसमें mm लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. जो 30 होती है ना ये लेंथ होती है इसकी, जो 4 होती है वो इसकी चौड़ाई होती है और 0.5 क्या होती है इसकी मोटाई होती है. सब वही कर लेंगे. ऊपर एक होल फास्ट लगा, एक सबसे नीचे लगा देंगे, मध्यम लगा देंगे, दोनों तरफ मिडिल में एक लगा देंगे. एक मिड में हो गया, एक ऊपर, एक नीचे हो गया, ठीक है, क्लियर है. देखिए आपके सारा माप यहाँ ड्रा किया गया है, देख लीजिएगा. और इसका जो लेंथ है, लेंथ का हम प्रोजेक्शन लेंगे. यहाँ से प्रोजेक्शन निकल लिया है, सर्वप्रथम 210 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेंगे. हम कितने खींचेंगे स्केल से 210 mm, ठीक है. अब यहाँ से ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से 12 इधर चलिएगा,
यानी 12 क्या है यहाँ पे, 120 सेंटीमीटर है ना, वही यहाँ से 12 आगे चलिएगा और 12 सीधे नीचे आपको आना कितना सेम, ये जितना इसका प्रोजेक्शन ले लीजिएगा, यानी 10 है, 10 से 10 में हम नीचे आएंगे और 8 में हम अंदर जाएंगे। 8 में अंदर जाने के बाद फिर से 20 की दूरी कितनी बच रही है, 4 बच रही है, 4 में एक और लाइन ड्रा कर देंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए इसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये इन सब का प्रोजेक्शन लेंगे। जहाँ तो हमारा वुड है वहाँ वुड 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 दिखा देंगे, और जहाँ मतलब हमारा जो भी लगा हो ग्लास व्लास जो भी लगा हो वो हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वुड है, वुड दिखा दिए, यहाँ पर जो बीच का लगा हुआ प्लाई लगा हुआ है प्लाई हम दिखा दिए यहाँ पे दोनों साइड में, क्लियर। अब इसी का प्रोजेक्शन साइड प्रोजेक्शन हो चुका है, अब इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे, यानी टॉप व्यू आप कैसे इसका रहेगा वो लेंगे, सेम बात वही रहेगी। इसका प्रोजेक्शन यहाँ से लेंगे दोनों साइड में, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 1.2 का लाइन खींचेंगे, ठीक है। फिर से जैसे यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इधर गए थे वैसे ही आप 12 ऊपर जाएंगे, यानी देखिए आप सेंटीमीटर बोले आप सब बनाएंगे इसमें mm में, यहाँ से 12 ऊपर जाइएगा। 12 ऊपर जाने के बाद जो अंदर आना है, देखिए अंदर कितना ये था, 10 था ना, यहाँ से आप भी अंदर 10 आइएगा, दोनों साइड से 10 10 आइएगा और नीचे खींच के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी, इसे ड्रा कर दीजिएगा। सेम ये जो लाइन है इसका प्रोजेक्शन यहाँ मार दीजिएगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ खींचिएगा, इसका यहाँ, इसका यहाँ, जो बच रहा है ये देखिए वोट दिखा दिया हम, वोट का ये सिंबल होता है, और जो बीच में जो फ्लाई होती है एक फ्लाई ऐसे दिखा दिए, ठीक है। देखिए हमारा टोटल फिगर कंप्लीट हो गया, ये जो ये लगा होता है हमारा ये हिंज होता है, दोनों साइड में हिंज लगा देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आप आसानी से देख सकें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट में बताइए, हम अगले वीडियो में इसको एक एक लाइन खींच कर बताएंगे, आता है तो आता है कैसे पूरा एक एक लाइन आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।